नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम आपको कराएंगे EVS में जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आया था यूपी टेट 2011 में। पहला क्वेश्चन था विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन गैस इनसे निकल बन होती है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो गैसेज हैं ये कहाँ से आती हैं, तो सबसे आती हैं वाहनों से निकली गैसें के द्वारा। अगला सवाल था भूकंप मापा जाता है तो कौन से पैमाने में। ये सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, सिस्मोग्राम, उसमें इसमें हमें नापते हैं। तो सही आंसर है रिक्टर पैमाने में। अगला है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को कम करने का तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाए और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाए, तो वो काम करते हैं हमारे वृक्ष। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला सवाल था कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो पर्यावरण की सुरक्षा करती है यूनाइटेड नेशन, तो हमारा आंसर है UN। यूपी टेट 2011 में जो आखिरी सवाल पूछा गया वो था भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग करने से रोकते हैं। तो हम जानते हैं कोई ऐसी चीज़ जो ना रिसाइकिल हो सकती है और ना अपने आप ख़त्म हो सकती है, तो वो है प्लास्टिक के थैले। तो ये थे जो यूपी टेट 2011 में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। इसी तरह के ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सवालों के सॉल्यूशन जानने के लिए यूपी टेट के जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।